से ऊपर तो भी आई, तो बी एस सिक्स राइट तुमकी भाई अच्छी है, अच्छी दिखती है अपाची जैसी, लगभग थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, लाइट में थोड़ा बहुत फ़र्क है आगे से। 10 पेड़ पे ये मेटल का नहीं है या तो प्लास्टिक, लेकिन इस पर यह सही है, इस पर स्क्रैचेस नहीं होंगे। वाओ, आई एम फॉरगेट द ढक्कन, हट गया। तो कैसे हैं आप लोग? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चला रहा हूँ एक नई गाड़ी, ले पकड़ियो। हम चला रहे हैं कौन सी गाड़ी, गैस कर सकता है कोई? अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर कमेंट करके बता दो स्टार्टिंग के कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ, पता पड़ जाएगा उससे किसको कितना शौक है, मतलब लगा हुआ है बाइकों से। तो अगर अभी तक नहीं पता पड़ा है किसी को, तो मैं बता दूँ, ये है TVS राइडर और हम लेके नहीं आए, ये मेरे पीछे बैठा है हिमांशु, उसकी गाड़ी है। अफकोर्स को आज टाइम हो गया, ये वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका था, लेकिन वही माइक की दिक्कत, माइक ख़राब होने के चक्करों में मैंने वीडियो नहीं बना पाए, फिर शादी आ गई थी तो चक्कर में रह गई, तो कल अपलोड किया है वीडियो, आज फिर से बना रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:26, 3:26 और मैं निकल पड़ा हूँ इसका वीडियो बनाने के लिए। एक काम है वो भी निबट जाएगा, इसके बारे में थोड़ी बात हो जाएगी कि राइडर है, TVS की है ये, 125 cc की गाड़ी है। अच्छा कब है पर ये बहुत, मतलब गाड़ियाँ शायद मेरे हिसाब से सारी ही महंगी हो गई है, तो उनमें से ये भी बहुत महंगी है। ये अप्रोक्स आपको 1.5 लाख रुपये कॉस्ट करती है, और इसको लेने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, क्योंकि 1.5 लाख की 125 cc की गाड़ियाँ ही 1.5 लाख की पहुँच चुकी है। इसमें बढ़िया, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत प्यारा है, अभी दिन हो रहा है फिर भी आई कैन, एक सेकेंड अभी तक घुस जाएंगे तो आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको कैसे है मीटर, स्पीड है, ये गियर है, RPM मीटर है, ये किलोमीटर जो एवरेज रेंज दिखा रही है, ये फ्यूल इकोनॉमी है, ये 429 किलोमीटर चल चुकी है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी है इसमें थोड़ी, मतलब ऑटो स्टार्ट स्टॉप मतलब कि आप न्यूट्रल करके अगर खड़ी करेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगी, एक क्लच मतलब एक ब्रेक प्रेस पे स्टार्ट भी हो जाएगी, पहले क्लच से स्टार्ट होती थी, आजकल ब्रेक से होने लग गई है। BS6 है, उससे ऊपर तो अभी आई, तो BS6 राइडर है, तुमकी भाई अच्छी है, आगे से फ्रंट इज वेरी गुड, अच्छी दिखती है अपाची जैसी, लगभग थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, लाइट में थोड़ा बहुत फ़र्क है आगे से, बाकी अच्छी दिखती है अपाची जितनी हाइट है, मेरे हिसाब से टैंक थोड़ा सा छोटा है, अपाची का थोड़ा सा बड़ा है, बट अपाची भी बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रही है, कोस्ट कर रही है उसकी क्रॉस बहुत ज़्यादा, 2 लाख के अप्रोक्स, और ये 150 के अप्रोक्स है। आप कैश फ्यू बाई कैश तो 160 या 120 के आसपास है, मतलब 1,20,000 के आसपास की ये कॉस्ट कर रही है को कैश इन हैंड, तो अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करवा के फाइनेंस कराओगे तो 1.5 लाख की आपको ये गाड़ी पड़ने वाली है, ठीक है, बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि और बाइक के हिसाब से ठीक है, लेकिन और भी है इसमें ऑप्शन, लेकिन ये ठीक है, चलने में अच्छी है, 2 मोड है, इको स्पोर्ट्स, जब इसको इको मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है, पावर मोड है, तो इको और पावर 2 मोड है, मुझे खास कोई पता नहीं पड़ा, ठीक है, 104 आई गेस ये चलती है, टॉप इसकी ठीक है, अच्छी है, लुकिंग वाइज कैसी है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये लुकिंग वाइज कैसी है, तो एक बार मैं आपको उसका लुक दिखाता हूँ कैसी दिखती है, तो साइड से कुछ ऐसा लुक है, पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, आगे डिस्क ब्रेक है, फ्रंट लुक ये है, इसमें LED लाइट है, ये DRL है, आगे से ये ऐसी दिखती है, इस साइड से इसका ऐसा लुक है, टायर थोड़ा सा पतला है, थोड़ी सी पतली मतलब अजीब सी है थोड़ी बहुत पीछे से, लेकिन साउंड वाइज भी अच्छी है, पीछे से भी ये लुक है इसका, ऐसा कुछ ये दिखती है, ये इसकी साउंड है, बढ़िया परफॉर्म करती है, 125 के हिसाब से तो अच्छी पिकअप रहेगी, और जल्द ही इसके मैं ड्राइव करवाऊंगा ओला के साथ, तो वो वीडियो भी बनाऊंगा मैं, इससे पहले मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फिर से GoPro ऑन कर लिया है,
काम अपन निपटा चुके हैं। और तो आप लोग बताना आपको गाड़ी कैसी लगी। मेरे हिसाब से ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल बाइक भी 1,00,000 रुपये तो क्रॉस कर ही रही है। कहाँ ही चले जा रही है, देख भैया का ध्यान किधर है। तो ये है जो भी है राइडर, ठीक ठाक सी है गाड़ी, पीछे डिस्क ब्रेक नो डाउट अच्छा है, आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है, क्लच भी ठीक है, थोड़े से गियर स्टिक इसकी थोड़ी हार्ड है, पता नहीं क्यों, लगभग सभी का मतलब जितनी भी है, क्योंकि मैंने 2-3 से ड्राइव पूछा था तो इनकी यही है, कैसे हार्ड वार्ड आ रही होगी सब गियर लगने की। 5 गियर है और हम राइट हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं। ये और ये मेन चीज़ ये डाउन, जब गाड़ी एकदम से स्लो करने के बाद इसके गियर क्यों अटकते समझ नहीं आता, जब तक क्लच नहीं छोड़ेंगे वापस निकलेंगे नहीं, एक बार अटक गए तो फिर क्लच ड्राइव प्रॉपर करके फिर निकालो फिर डालो। मैन्युफैक्चरिंग में ही दिक्कत है क्या नहीं है, वैसे गियर नहीं अटकते थे, फिर भी ओवरऑल ठीक है, अब बढ़िया आ रही है। जैसे मैंने कहा था कि आगे से वो पपाची गई है, वैसा सही थोड़ा बहुत वैसा सही लुक है। टैंक पेड पे ये मेटल का नहीं है, या तो प्लास्टिक, लेकिन इस पर ये सही है, इस पर स्क्रैचेस नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादातर तो टैंक्स पे यहीं स्क्रैच होते हैं, लेकिन ये ठीक है, प्लास्टिक का है, स्क्रैच नहीं है, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। ओवरऑल ये ऐसी कुछ लुक है, धूमर वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं, ये लाइट लो है, इंडिकेटर नॉर्मल चीज़ें, बाकी जो भी होती है, बटन स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है, इसकी चलने में भी ठीक है, 100 टच करती है क्या, 70, 80, 90, 95, 90, we are touch 90 km/h। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, वीडियो को करते यही है, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कुछ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।